हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों का स्वागत है मेरे किचन में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो हमारा गैस काफ़ी गंदा हो जाता है। तो बस मैं इस तरह से मैंने इसकी डीप क्लीनिंग कर ली है और इसी के बाद हम हमारा जो कुकिंग है वो स्टार्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने मेरा जो गैस है वो क्लीन कर लिया है। तो चलिए देखते हैं आज मेरे किचन में क्या बन रहा है। यहाँ पे जो हमारा गैस है वो क्लीन हो गया है और अब हम हमारी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं तुअर की दाल ले रही हूँ। आज हम बनाने वाले हैं चटनी वाली तुअर की दाल और उसके साथ हम बनाएंगे लौकी की सब्ज़ी। तो शायद आपने इस तरह की चटनी वाली तुअर की दाल कभी खाई नहीं हो, तो फ्रेंड्स आप बना के ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी में दाल ले लूँगी। और इसको फिर हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और 2 से 3 हम लोग सीटी लेके इसको प्रेशर कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दाल अच्छे से वॉश कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको नमक डाल के प्रेशर कुक करने के लिए रख दूँगी। और दूसरी तरफ हमारी जो लौकी की सब्ज़ी है उसकी तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लौकी ऑलरेडी छील के रख ली थी और अब हम इसको देख रहे हैं आप कितने बड़े बड़े बीजे हैं इसके अंदर। तो इसको हम निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसको पतला पतला अच्छे से काट लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें हमारी लौकी काटना है। आप चाहे तो इसे मोटी पतली जैसा भी शेप आपको चाहिए उस तरीके से आप इस लौकी को काट सकते हैं। और जैसे ही हमारी लौकी अच्छे से पूरी तरीके से कट जाएगी, उसके बाद हम इसको लहसुन से फ्राई करेंगे। तो हम इसके साथ में लहसुन भी छील के रख लेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से हमारी जो लौकी है वो काट के रख लूँगी। ये देखिए हमारी जो लौकी है वो ऑलमोस्ट कट गई है। और अब हम इसके लिए जो लहसुन से जब हम फ्राई करेंगे तो हम इसके लिए लहसुन छील के रख लेंगे। तो यहाँ पे मैं 6 से 7 कलियाँ लहसुन की कुछ इस तरीके से छील लूँगी और इसको हम फिर पीस के हमारी जो लौकी की सब्ज़ी है उसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो लहसुन है वो छील ली है और अब मैं इसको इसमें पीस लूँगी। और जैसे ही हमारी लहसुन अच्छे से पीस जाएगी उसके बाद हम हमारी सब्ज़ी को फ्राई कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन रख दिया है और इसमें मैंने तेल डाल दिया है और हमारा जो तेल है वो गर्म हो गया है। उसके बाद इसमें मैं राई और जीरा डाल दूंगी और जैसे ही राई और जीरा अच्छा हो जाएगा उसके बाद जो मैंने लहसुन पीस के रखी थी वो लहसुन हम इसमें डाल देंगे। और जैसे ही हमारी लहसुन अच्छे से बिल्कुल पक जाती है, बिल्कुल ब्राउन हो जाती है, उसके बाद हम इसमें हमारे सूखे मसाले डालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जो लहसुन है उसका कलर बिल्कुल लाल होने लगा है धीरे धीरे। तो जैसे ये लाल हो जाएगी उसके बाद हम इसमें हमारे सूखे मसाले डाल देंगे। और हमारी जो लहसुन है वो अच्छे से बिल्कुल लाल हो गई है और अब इसमें हम लाल मिर्ची, धना, हल्दी और नमक डाल के इसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे। और जैसे हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे उसके बाद हम इसमें लौकी डाल देंगे और उसको फिर हम अच्छे से ढककर पकाएंगे। तो ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है और इसमें हम जो लौकी काट के रखी थी वो लौकी डाल देंगे। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि जो सूखा मसाला हमारा नीचे की तरफ है वो पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए लौकी में और हमारा जो मसाला है वो जले ना। तो इसे इस तरह से हम मिक्स कर देंगे और इसको ढक के हम इसको अच्छे से पका लेंगे। अब हम इसको ढक देंगे और इसको मध्यम आंच पे पकने देंगे। और दूसरी तरफ हमारी जो चटनी वाली हमें दाल बनाना है वो दाल हम उसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये सब्ज़ी बना फ्राई करके रख दी है और कुछ इस तरह से हम बिल्कुल धीमी आंच पे इसको पकाएंगे और दूसरी तरफ हम हमारी जो दाल फ्राई करनी है उसकी तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने
इसको वॉश कर लिया अच्छे से। उसके बाद इसमें हम हरी मिर्ची, लहसुन और हरा धना डालेंगे। इस तरह की एक चटनी बनाएंगे हम, और उसके साथ हम जो हमारी दाल है उसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्ची ले ली है। उसके बाद मैंने 5 से 6 यहाँ पे लहसुन की कलियाँ ले ली है, और इसमें मैं अब हरा धना डाल दूँगी। इसको अब हम अच्छे से पीस लेंगे, चटनी जैसा बना लेंगे इसको हम। ये देखिए, ये हमारी जो हरी चटनी है वो बनके तैयार हो गई है, और अब हम इससे ही हमारी जो दाल है वो दाल को फ्राई करेंगे। तो ये चटनी जो हमारी ये तैयार हो गई है। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। तो इस दाल को फ्राई करने के लिए हमें टमाटर और प्याज भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्याज और टमाटर भी अच्छे से काट के रख लूँगी। यहाँ पे मैंने 1 प्याज और 1 टमाटर लिया है, तो इस प्याज को हम छोटा छोटा कट कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम छोटा छोटा हमारा प्याज काट लेंगे, और इसके बाद हम जो हमारा हमने टमाटर लिया है, टमाटर को भी हम छोटा छोटा काट लेंगे। हमारा जो प्याज है वो कट गया है, और उसके बाद हम टमाटर को काट लेते हैं, और इसके बाद हम हमारी दाल फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैं पैन रख दूँगी गरम, और इसमें मैं तेल डाल दूँगी। तेल आप आपके हिसाब से कम या ज़्यादा, आपको जैसा लगता है उस हिसाब से ले सकते हैं। और जैसे ही हमारा तेल गरम होगा, इसमें हम राई और जीरा डालेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे राई डाल दी, और उसके बाद मैं इसमें जीरा डालूँगी। और जैसे ही राई जीरा होगा, उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। और हमारे प्याज जैसे हल्के से लाल भुन जाएंगे, उसके बाद हम इसमें दूसरे मसाले डालेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे जो प्याज है उसका कलर चेंज होने लगा है। तो जैसे हमारे प्याज अच्छे से भून के ब्राउन हो जाएंगे, उसके बाद हम इसमें हमारे मसाले डालेंगे। तो अब हमारे प्याज अच्छे से लाल हो गए हैं बिल्कुल। अब मैं इसमें सूखे मसाले डाल दूँगी। इसमें मैंने लाल मिर्ची, सूखा धना, हींग, हल्दी, ये सारी चीज़ें ली हैं। और जैसे हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे, उसके बाद हमने जो चटनी बनाई थी वो चटनी हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं चटनी डाल दूँगी, और इसके बाद हमें इस चटनी को ज़्यादा देर भुनने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो हमारी लहसुन है उसको हमें ज़्यादा पकाना नहीं, कच्चा ही रखना है, तभी इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। तो ये देखिए, हल्की सी जो हमारी चटनी है वो भुन चुकी है, और ये मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो कुछ इस तरीके से हमें हमारी जो चटनी है उसको भुनना है, ज़्यादा लाल होने तक नहीं भुनना है। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जैसे हमारा ये टमाटर अच्छे से भुन जाएगा, ये देखिए, यहाँ पे हमारा टमाटर अच्छे से भुन गया है, इसने पूरा तेल छोड़ दिया है अच्छे से। और इसके बाद हम जो हमारी दाल हमने बॉईल की के रखी थी, वो दाल हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, सारा जो मसाला है उसने बिल्कुल तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि आपका मसाला बिल्कुल तैयार है, और अब आप इसमें दाल डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दाल डाल दूँगी, और इसके बाद हम हमारी दाल को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमारी दाल है वो अच्छे से धीरे धीरे बॉईल होना स्टार्ट हो गई है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो दाल का कलर आया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, कलर लाल, पीला, हरा। तो हमारी जो दाल है वो अच्छे से बॉईल होने लगी, और जैसे ही अच्छे पूरी तरीके से बॉईल हो जाएगी, उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। और इसके लिए आपको ऊपर से हरा धना डालने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने हरा धना चटनी के लिए यूज़ किया था। यहाँ पे मैंने दाल को ढक दिया है, और इस तरीके से हम इसको दाल को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। हमारी जो दाल है वो खाने के लिए तैयार है फ्रेंड्स, अच्छे से बॉईल हो गई है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी, और दूसरी तरफ हमने जो हमारी लौकी की सब्ज़ी फ्राई की थी, अब हम उसको देखते हैं कि वो कहाँ तक हुई है।
और अब मैंने गैस बंद कर दिया है। उसके बाद हम इसको ढक के रख देंगे। और यहाँ दूसरी तरफ हम हमारी जो लौकी की सब्ज़ी फ्राई की थी उसको देखते हैं कि वो कितनी हुई है। तो हमारी लौकी की सब्ज़ी ने भी पूरी तरीके से तेल छोड़ दिया है अच्छे से, और काफ़ी हद तक हमारी जो सब्ज़ी है वो बन के तैयार हो गई है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको एक बार और चला दिया है। इसको हम ढककर और पकाएंगे क्योंकि अभी थोड़ी सी कच्ची है हमारी सब्ज़ी। और अब मैं इसको वापस देखूंगी कि हमारी सब्ज़ी हुई है नहीं हुई है। ये देखिए, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है, अच्छे तरह से पक चुकी है हमारी सब्ज़ी। अब मैं इसको ढक के रख दूंगी। और दूसरी तरफ मैंने आटा मस के रखा था, तो उसको हम ठीक कर लेंगे रोटी बनाने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आटा मस के बिल्कुल तैयार कर लिया है। तो हमने सब्ज़ी और दाल दोनों बना ली। इसके बाद हम इसमें हमारे चावल की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैं चावल ले लूँगी और इसको अच्छे से धो के रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जब हम हमारे चावल बनाएंगे तो चावल हमारे बिल्कुल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। ये चावल मैं धो के रख दूँगी। और दूसरी तरफ हम हमारी रोटी बनाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो तवा है वो गर्म हो गया था ऑलरेडी, और यहाँ पे मैंने रोटी बना के डाल दी है इस पर। कुछ इस तरीके से हम हमारी रोटी बना लेंगे। मैं इसको अच्छे से सेक लूँगी। हमारी रोटी सेकने के लिए तैयार हो गई है। तो कुछ इस तरीके से हम हमारी सारी रोटियां बना लेंगे। उसके बाद हम जो हमारी लंच की थाली की तैयारी करेंगे। फ्रेंड, इस तरीके से मैंने सारी रोटियां बना ली है। तो यहाँ पे हमारी जो लंच की थाली है वो तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।